मैं मणिका पांडे दिव्यम परिवार की ओर से आप सभी को जय श्री कृष्ण कहती हूँ। आज मैं आपके साथ रिश्तों में जीवन के बारे में संवाद करने आई हूँ। दोस्तों, रिश्ता शब्द बहुत ही प्यारा है और सच कहूँ तो कहीं ना कहीं हमें एक आधार, एक पहचान देता है। कुछ रिश्ते हम बनाते हैं और अधिकतर रिश्ते प्रभु निर्धारित करके भेजते हैं। जो रिश्ते प्रभु निर्धारित करते हैं उन्हें हम अपनी पसंद अनुसार बदल नहीं सकते, जैसे माँ बाप, भाई बहन और अन्य परिवारजन। पर कुछ रिश्ते हम बनाते हैं, उसमें से एक है दोस्ती का रिश्ता, जो हम बनाते हैं और हम ही तय करते हैं कि हम किसे अपना दोस्त मानेंगे। रिश्ता वह सच्चा और सबसे अच्छा होता है जो किसी की कमियां, खामियां को अपनाते हुए उसे सहानुभूति नहीं बल्कि समान भूति से निभाया जाए। हमें भी वही रिश्ता प्यारा लगता है जो हमें समझे और हमारा साथ दे। जिन रिश्तों में महत्वाकांक्षा, स्वार्थ, अत्याचार, शोषण आदि दिखाई दें, उसमें से बाहर ही आ जाना उचित है, क्योंकि ऐसे रिश्तों में जीवन नहीं घुटन है। आखिर बंद कमरे में आप कितनी देर रह पाएंगे? रिश्ता ठीक वैसा ही है। अब बात उनकी करते हैं जिन रिश्तों को हम चुनते हैं। इसमें दो प्रमुख हैं, पहला दोस्ती का रिश्ता और दूसरा प्रेम का रिश्ता। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे हम तय करते हैं कि कौन हमारा मित्र बनेगा। जन्म से यह नहीं होता पर जीवन भर साथ होता है। अगर दोस्ती सच्ची व निस्वार्थ है तो आप सबसे कीमती रिश्ता निभा रहे हो। आप सबसे कीमती रिश्ते के मालिक हैं, जैसे कृष्ण और सुदामा का रिश्ता। दूसरा आता है प्रेम का रिश्ता। प्रेम दुनिया का और प्रकृति का, मानव का सबसे बड़ा वरदान है। मानव को सबसे बड़ा वरदान है इस दुनिया में। जब निस्वार्थ प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाता है तो ज़रूरत है कि हम प्रेम की असली परिभाषा को समझकर रिश्तों को निभाएं। लव इज़ व्हेन अदर पर्सन्स हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर ओन। चलिए, आप तय कीजिए आपके रिश्तों में कितना जीवन है। दिव्यम परिवार की ओर से सभी को जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।